में विज्ञान ने अपना तीसरा अध्याय चल रहा था रेशों से वस्त्र तक। पूर्व में हमने ये पढ़ा था कि हमें जो ऊन है या रेशा है वो किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे भेड़, ऊंट, बकरी, इनसे प्रेरण पढ़ा था कि हमें ऊन या प्राप्त होती है। आगे है कि जो ऊन प्राप्त करने के जो चरण है वो किस प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। तो ऊन प्राप्त करने का सबसे पहला चरण है ऊन की कटाई। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, भेड़ों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है ताकि उनके जो बालों के अंदर फंसी हुई मिट्टी वगैरह है वो सारी की सारी धूल मिट्टी अलग हो जाए। तो ऊन की कटाई करने से पहले भेड़ों को अच्छी तरह से नहलाया जाएगा, उनके अंदर जो मिट्टी धूल के कण है वो दूर हो जाएंगे। तो बाद में ऊन की कटाई की जाती है। यह कटाई जैसे कि हम अपनी नाई से कैंची की सहायता से बाल कटवाते हैं, ठीक उसी तरह से भेड़ के बालों के ऊन की कटाई की जाती है। तो ऊन की कटाई करने के बाद में दूसरा चरण आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है कि धूल मिट्टी के कणों को पुनः अलग करना। तो जो भेड़ के बालों की ऊन की हमने कटाई की है, उस काटी हुई ऊन को बड़े बड़े गर्म पानी के टैंक के अंदर डालकर गोल गोल घुमाया जाता है ताकि अभिमार्जन करने से उन बालों के अंदर यानी ऊन के अंदर जो मिट्टी धूल के कण है वो दूर हो जाए। तो इस चरण को हम अभिमार्जन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तीसरा चरण आता है छंटाई यानी कि छांटना। तो जो हमने अभिमार्जन करने के बाद में जो हमारे पास में ऊन प्राप्त हुई है उस ऊन की छंटाई की जाती है, यानी कि बड़ी बड़ी जो अच्छी किस्म की ऊन है, बड़ी ऊन है जो जिसकी किस्म अच्छी है उसको अलग कर लिया जाता है और शेष जो ऊन अच्छी नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इसे हम ऊन की छंटाई करना बोलते हैं। उसके बाद में चौथा चरण आता है बर्फ को छांटना। यहाँ पर बर्फ शब्द का अर्थ थोड़ा समझना जरूरी है। भेड़ के जो ऊन है, बाल है, उन बालों के अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती है उनको हम बर्फ बोलते हैं। तो छंटाई करने के बाद में उस बर्फ को अलग कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा है हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं उस स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे कोमल रेशे दिखाई देते हैं, कभी कभी छोटे कोमल रेशे, इन छोटे कोमल रेशों को हम बर्फ के नाम से जानते हैं। तो उस बर्फ को अलग कर दिया जाता है क्योंकि वह ज्यादा अच्छा नहीं रहता। उसके बाद में पांचवा चरण आता है रंगाई। रंगाई करने के लिए बड़े बड़े गर्म पानी के टैंक होते हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग हो सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार उन टैंकों के अंदर रंग डालते हैं, चाहे लाल है, नीला है, पीला है, गुलाबी है, जो भी रंग है उस ऊन को इन टैंकों के अंदर डाल देते हैं जिससे कि ऊन है वो रंगीन हो जाती है, यानी कि उसकी रंगाई कर दी जाती है। आमतौर पर हमने देखा होगा कि शहरों के अंदर या दुकानों के ऊपर जो चुन्नी वगैरह होती है हमारी माताएं बहनें पहनती हैं उनकी रंगाई करते हुए देखा होगा, ठीक उसी तरह से भेड़ के बालों की जो ऊन है उसकी रंगाई की जाती है। उसके बाद में छठा चरण आता है रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है लपेटना। जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो धागा है उसको गोल गोल चक्री के ऊपर रीलिंग किया जाता है, ठीक उसी तरह से बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको हम रीलिंग मशीन बोलते हैं, उन रीलिंग वाली मशीनों से उस ऊन को रीलिंग कर लिया जाता है, यानी कि गोल गोल घुमाकर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, लपेट लिया जाता है। तो इस चरण को रीलिंग बोलते हैं। कई बार रीलिंग है वो हमने देखा होगा कि हमारे घर पर बुजुर्ग हैं वो एक चरखा काटते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये रीलिंग की प्रक्रिया है। आजकल रीलिंग की प्रक्रिया वो बड़ी बड़ी मशीनों से की जाने लगी है। ये तो हमने ऊन के बारे में पढ़ा जो जांतव रेशा था, ऐसा ही एक और जांतव रेशा आपने होता है रेशम। तो जो रेशम है वो भी एक जांतव रेशा है क्योंकि जंतु से प्राप्त होता है। रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है और रेशम कीट है यह शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाले जाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो रेशम प्राप्ति के लिए भी हम रेशम कीट को पालते हैं। इसकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है जैसे प्यूपा, इल्ली, कैटरपिलर इत्यादि, जिनके बारे में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे।